वहीं प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि राहुल गांधी की सहमति मिलते ही दूसरी लिस्ट जारी हो जाएगी। सभी सीटों पर समन्वय बनाकर पैनल आलाकमान को भेज दिया गया है। गुर्जर और ब्राह्मण समाज की नाराजगी पर पांडे ने कहा कि आगामी सूची में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। लोकसभा क्षेत्रों का दौरा माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष के साथ हमने किया, जिसमें एक तो प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र में, दूसरा हमारा डूंगरपुर बांसवाड़ा और तीसरा उदयपुर। सभी जगह कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और बहुत भारी संख्या में जनता ने भाग लिया और मुझे खुशी है कि संगठन और कार्यकर्ता सब एकजुट होकर इस चुनाव में पूरे जोर के साथ में लग गए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम इन सभी लोकसभा क्षेत्रों में बहुत अच्छा। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।